टाइटेनो गोवा अब तक का धरती के इतिहास का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, जिसकी लंबाई 42.7 फीट से भी अधिक थी और इसका वजन 1135 किलोग्राम तक एस्टीमेट किया जाता है, जो टीरेक्स जैसे डायनासोर को एक ही बार में खा सकता था। लेकिन इंडिया के गुजरात में 47 मिलियन साल पुराने एक ऐसे प्राचीन सांप के फॉसिल्स मिले हैं जो टाइटेनो गोवा से भी काफी बड़ा रहा होगा, और उस सांप का नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस। पेलियंटोलॉजिस्ट का ये कहना है कि वासुकी इंडिकस अपने जमाने में धरती के इतिहास का सबसे बड़ा सांप रहा होगा। ये सांप धरती पे कब एग्जिस्ट करता था और ये साइज में इतना बड़ा कैसे हो गया, उन सब चीजों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। पेलियंटोलॉजिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो फॉसिल्स पर स्टडी करता है। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी को 2005 में जब गुजरात के कच्छ में पन्नानरो लिग्नाइट माइन की एक्सकेवेशन चल रही थी, तब इनको 27 वर्टेब्रल कॉलम्स फॉसिल्स मिले जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पहले तो साइंटिस्टों को ये लगा कि ये क्रोकोडाइल के फॉसिल्स होंगे, लेकिन जब 2023 में इस पर स्टडी किया गया तब साइंटिस्ट ये इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि ये कोई क्रोकोडाइल नहीं बल्कि एक विशालकाय सांप के फॉसिल्स हैं, जो टाइटेनो गोवा से भी काफी बड़ा रहा होगा, जिसका नाम दिया गया वासुकी इंडिकस। ये वासुकी नाम बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू मैथोलॉजी में किसी फोटो या मूर्ति पर भगवान शिव के गले में एक सांप लिपटा रहता है और उसी सांप का नाम है वासुकी, और वासुकी शब्द का मतलब होगा किंग ऑफ ऑल सर्पेंट। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि वासुकी सांप को जापानीज और चाइनीज मैथोलॉजी में किंग ऑफ एट ग्रेट ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, और इंडिकस वर्ड इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वासुकी के फॉसिल्स इंडिया में पाए गए हैं। अगर हम वासुकी इंडिकस और टाइटेनो बोवा इन दोनों के साइज और वेट का कंपेयर करें तो आज से 60 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में टाइटेनो बोवा एग्जिस्ट करता था, जिसकी लंबाई 42.7 फीट और इसका वेट 1135 किलोग्राम तक एस्टिमेट किया गया है, जबकि आज के साइंटिस्ट ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि वासुकी इंडिकस की लंबाई 36 से 49 फीट और इसका वेट 1000 किलोग्राम तक रहा होगा। पेलियंटोलॉजिस्ट ये मान रहे हैं कि इसके अटैक करने का तरीका बिल्कुल ही एनाकोंडा जैसा रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा शरीर लेकर ये फास्ट अटैक नहीं कर सकता, ये शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठता होगा, और जब इसके विक्टिम इसके करीब आते होंगे तो ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उनको पकड़ लेता होगा। इसके बाद से दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब वासुकी इंडिकस इतना बड़ा सांप था तो क्या वह कभी टीरेक्स जैसे बड़े डायनासोर को मारा होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि हम लोग कई बार यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म पर इंटरटेनमेंट के लिए इमेजिनेशन के हिसाब से सिनेरियो बनाते हैं कि अगर टीरेक्स डायनासोर किसी टाइटेनो गोवा से लड़ता है तो क्या रिजल्ट होगा, जिस पर कई सारी मूवी भी बनाई गई है जैसे जुरासिक पार्क। लेकिन रियलिटी ये है कि डायनासोर इस धरती से 66 मिलियन साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए, और जो वासुकी सांप के फॉसिल्स मिले हैं वो आज से 47 मिलियन साल पुराना है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वासुकी इंडिकस कभी डायनासोर को देखा भी नहीं होगा। इसके बाद अब आपका अगला सवाल ये होगा कि जब डायनासोर थे ही नहीं तब वासुकी सांप इतना बड़ा कैसे हो गया। तो देखिए, आज से 50 मिलियन साल पहले वर्ल्ड मैप कुछ इस तरीके से दिखता था, जो आज के मैप से कितना डिफरेंट है। यूरोप के कई हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो आज के डेट में मॉडर्न डे रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन श्रीलंका, ये अभी तक यूरोप से टकराए भी नहीं थे। मतलब ये बात तब की है जब उस समय हिमालय माउंटेन बना भी नहीं था और धरती का तापमान बहुत ही ज्यादा था। इंसानों का तो नामो निशान नहीं था, आप होमो सेपियंस की तो बात ही मत कीजिए, उस समय केवमैन भी नहीं रहे होंगे। उस समय पूरी धरती पर भीमकाय जीव या मेमल्स थे जो अपने एवोल्यूशन के अर्ली स्टेज पे रहे होंगे, और वासुकी सांप के इतने बड़े होने के पीछे रीजन ये रहा होगा, द रोल ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि सांप कोल्ड ब्लडेड क्रीचर होते हैं और इनको सरवाइव करने के लिए एनवायरनमेंट से हीट चाहिए, और इसी वजह से अंटार्कटिका, साइबेरिया, ग्रीनलैंड और नॉर्दर्न कनाडा में सांप नहीं पाए जाते हैं, बिकॉज दिस प्लेस आर टू कोल्ड फॉर स्नैक, और बाय डिफॉल्ट इस स्पीसीज का मेटाबॉलिज्म खुद को ऐसे एडजस्ट कर लिया होगा
कि इनकी साइज लगातार इंक्रीज होती गई। एंड यू शुड नो दिस, मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल्स दैट चेंज इनटू द एनर्जी। ओके, बट नाउ वी आर कमिंग टू देयर टॉपिक। और पेलियोन्टोलॉजिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑन द सिम्स टाइम धरती पर डायनासोर नहीं थे, तो डेफिनेटली वासुकी इंडिकस उस समय धरती का अल्फा स्पीसीज रहा होगा। फूड पिरामिड पर सबसे टॉप पर वासुकी स्नैक ही रहा होगा, क्योंकि फूड पिरामिड में सबसे टॉप पर ऐसे क्रिएचर को रखा जाता है जो सभी छोटे क्रिएचर का शिकार कर सकता है, लेकिन उसका शिकार कोई भी नहीं कर सकता। और साइंटिस्टों ने भी यही बताया कि वासुकी व्हेल खाता होगा। आज के मॉडर्न डे वाली भीमकाय व्हेल नहीं, आज से 50 मिलियन साल पहले व्हेल कुछ इस तरह से दिखती थी, फिर ये इवॉल्व करके कम्प्लीटली एक्वाटिक स्पीसीज बन गई। और मॉडर्न डे व्हेल की शुरुआत इंडिया और पाकिस्तान के रीजन से हुई थी, तो आप जरा सोच के देखिए कि वासुकी सांप के लिए उस समय की सिचुएशन कितना फेवरेबल रही होगी। इसका शिकार करने वाला कोई नहीं था, इसके आसपास जितने भी मेमल्स और अदर क्रिएचर्स थे वो साइज में काफी छोटे थे। फूड की कमी नहीं रही होगी और क्लाइमेट भी इसके फेवर में था, इसीलिए वासुकी इंडिकस साइज में लगातार बढ़ता गया। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि वासुकी इंडिकस आखिर विलुप्त कैसे हो गया। तो देखिए, कई बार स्पीसीज आती हैं और एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, क्योंकि उस समय वासुकी इंडिकस जिस कॉन्टिनेंट पे था वो टकराने वाला था यूरेशियन कॉन्टिनेंट से, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा बायोलॉजिकल इवेंट हुआ होगा, और क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सप्लाई में ज्यादा वैरियर्स आए होंगे, और इसी वजह से वासुकी जैसे सांप पूरी धरती से एक्सटिंक्ट हो गए। आज भी धरती पे रेप्टाइल स्नैक्स हैं, लेकिन उनकी साइज वासुकी इंडिकस जैसी बड़ी नहीं हो सकती। इसमें से कई ऐसे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको लगता होगा कि ठीक है, आज से 5 करोड़ साल पहले कोई विशालकाय सांप धरती पे रहा होगा, और अगर आज हमको उसके अवशेष मिल गए हैं तो इससे हमें क्या फायदा होगा। तो देखिए, पूरी दुनिया में हर जगह जैसे यूरोप, यूएस से चाइना और जापान में वासुकी इंडिकस के लेख लिख के जा रहे हैं। इसे देखिए, ये CNN का आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कोलेसेल प्री हिस्टोरिक स्नैक डिस्कवर्ड इन इंडिया। पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि इंडिया में टाइटेनोबोआ से भी बड़े सांप के फॉसिल्स मिले हैं। इससे टूरिज्म इकट्ठा होगा, जैसे डायनासोर्स के फॉसिल्स को कलेक्ट करके USA के म्यूजियम में रखा गया है, जिसको देखने के लिए टूरिस्टर और विजिटर्स आते हैं, तो उनसे रिवेन्यू जनरेट होता है। और अगर ऐसे ही गुजरात में एशियन स्नैक वासुकी इंडिकस पर डीप डिस्कवरी होगी, तो उस एरिया के आसपास के छोटे बड़े शहर और गांव की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पर म्यूजियम बनेगा तो पेलियोन्टोलॉजिस्ट रिसर्च करने के लिए आएंगे, और उनको रहने के लिए होटल्स भी बनाए जाएंगे, और उन फॉसिल्स पर स्टडी करने के लिए उनको एक प्रॉपर प्लेस की जरूरत पड़ेगी। दुनिया भर से लोग हमारे इंडिया में आएंगे और इंडिया का नाम फेमस होगा एज अ डेस्टिनेशन फॉर पेलियंटोलॉजिस्ट। थैंक यू।